everyone. This is Dr. Shafila from Igloo Dose. Welcome to session 58 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for graduation courses of Igloo. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of Igloo Dose will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 58. Which of the following is a non-renewable energy resource? So non-renewable matlab jisko which cannot be renewed again and again. Renewable matlab which can be renewed again and again. Theek hai? So hum log three main non-renewable energy resource use kar rahe hain. Wo kaun kaun se hain? Coal, petrol and natural gas. Theek hai? If we talk about coal, तो ये आपके डिकेड एनिमल्स व्हेन यू आर डिकेड एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, व्हेन दे आर बरीड ओवर द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, तो आपका कोल बनता है. अगर हम ऑयल या नेचुरल गैस की बात करें, ये आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स के बरीड होने से लाइक ओवर द इयर्स मिलियंस ऑफ इयर्स फिर जाके आपका ऑयल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनता है. क्लियर? तो ये तीनों ही कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये तीनों आपके क्या हैं? दीज आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ऑप्शंस देखो क्या है, सोलर, मीथेन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कोल. सो आंसर इज कोल, बट लेट्स डिस्कस अदर ऑप्शंस आल्सो. सोलर, सो सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली, सो इट इज रिन्यूएबल. मीथेन, देखो मीथेन हम लोगों को कहाँ से मिलती है? इट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस. बायोगैस मतलब जब हम लिविंग कॉम्पोनेंट से गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग? जब आपका वेस्ट है या लिविंग जो आपके मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है या आपका जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, जब उसकी एनएरोबिक डिग्रेडेशन होती है. एनएरोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? बायोगैस. ठीक है, बायोगैस तो मतलब आज के टाइम में लोग अपने घर पे भी बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग दैट बायोगैस फॉर देयर यू नो फॉर कुकिंग पर्पस आल्सो. सो बायोगैस जो है उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज मीथेन. सो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल, बट व्हेन यू इनकॉर्पोरेट बायोगैस विद द नेचुरल गैस, देन दे बोथ, दोनों इकट्ठे मिलके दे कैन बिकम अ वेरी गुड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, बट मीथेन, एज वी आर गेटिंग मीथेन फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम डिकेड एनिमल्स, फ्रॉम डिकेड आपका फूड, ठीक है, सो मतलब हम लोग डिकेड आपके फूड से, डिकेड सॉलिड वेस्ट से, डिकेड आपके यू नो द प्लांट से हम लोग क्या बना रहे हैं? मीथेन. ठीक है, सो मीथेन जो है ये जब आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो आपका है, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, जब उसकी एनएरोबिक डिग्रेडेशन होती है, देन वी गेट द बायोगैस जिसका मेन कॉम्पोनेंट क्या है? मीथेन है. ठीक है, मीथेन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. व्हेन वी इनकॉर्पोरेट इट विद द नेचुरल गैस, तो ये और भी अच्छा आपका रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है, प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज व्हेन वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर. ठीक है, सो दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक विच इज ऑल्सो रिन्यूएबल. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कोल. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट मे बिकम अवेलेबल फॉर यूज इज कॉल्ड ऑयल डैश. तो वो ऑयल, अमाउंट ऑफ द ऑयल जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल हो सकता है नहीं है, इन्होंने मे बिकम लिखा है. ठीक है, तो आपको ये, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी यू नो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, इसमें इन्होंने मे वर्ड लिखा है जिससे पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो मे बिकम अवेलेबल फॉर द यूज इज कॉल्ड ऑयल. ऑप्शन आर रिजर्व्स, रिसोर्सेज, रिजर्वॉयर्स या ट्रैप. ठीक है, देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले से ही ऑप्शन डिस्कस करते हैं. रिसोर्सेज आर जितने भी आपके पास ऑयल के डिपॉजिट्स हैं, वेदर यू हैव डिस्कवर्ड दैट और यू हैव नॉट डिस्कवर्ड दैट, डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड, दोज आर द रिसोर्सेज. रिजर्व्स क्या हैं? जो आप डिस्कवर कर चुके हो, जहां आपको पता है कि हाँ ये मेरा ऑयल का मतलब यहाँ पे मेरे ऑयल है. रिजर्वॉयर क्या है? जो आपने रखा हुआ है फॉर द यूज, आपने स्टोर करके रखा हुआ है फॉर द यूज. ट्रैप्स क्या है? मतलब किसी जगह पे कुछ इकट्ठा होना, सो दैट इज द ट्रैप. ठीक है, ट्रैप डजंट फॉल इन दीज ऑप्शंस. सो तीन वर्ड्स जो हैं, तीनों आपके काफी सिमिलर हैं. रिसोर्सेज,
जो कि डिस्कवर्ड सोर्सेज भी हो सकते हैं, अनडिस्कवर्ड भी है। टोटल जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कुछ हमें पता है कि यहाँ है, कुछ नहीं पता। सो दोज आर द रिसोर्सेज। रिजर्वॉयर जो हमने स्टोर करके रखा है, रिजर्व्स दैट वी डू नो कि हाँ यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ द ऑयल दैट मे बिकम अवेलेबल, जो अवेलेबल हो सकता है, तो उसमें आपके डिस्कवर्ड वाले भी आ जाएंगे, अनडिस्कवर्ड भी आ जाएंगे। सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिसोर्सेज, ठीक है। सो आंसर इज सी। देन अ कोल डिपोजिट दैट इज नॉट इकोनॉमिक इन इकोनॉमिकल टू माइन टूडे वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आर। सो वो कोल डिपोजिट अगर हम उसको आज माइन करें, शायद वो इकोनॉमिकल नहीं है। वो हमारा उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा क्या है, वो पार्ट ऑफ आर क्या है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोल रिसोर्सेज। अगेन वही बात है, डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड। सो टोटल जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ठीक है। रिजर्व्स मतलब मुझे पता है यहाँ पे है और मैं इसको यूज करने वाली हूँ। रिजर्वॉयर जो आपने अपने लिए स्टोर करके रखे हैं। तो रिजर्व्स मतलब जो आपको पता है कि यहाँ से तो मैं लेने वाली हूँ, बट रिसोर्सेज जहां से आपको पता भी है और नहीं भी पता। सो जो इकोनॉमिकली आज के टाइम पे माइन करना इकोनॉमिकल नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है। सो दोज आर ऑल्सो द कोल रिसोर्सेस, ठीक है। सो आंसर इज बी। देन व्हाट इज द लीडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स टुडे? कोल, ऑयल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर। देखो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूनाइटेड स्टेट में है, दैट इज ऑयल, ठीक है। सो 28 to 30% जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑयल। उसके बाद वहां पे आता है कोल, देन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो आपका यूनाइटेड स्टेट में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑयल रिसोर्सेज। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन इज, इन इंडिया फॉरेस्ट कवर ब्लैंक परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। देखो अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया का जो 33% जो एरिया है दैट शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, ठीक है। बट हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे जो 2021 में हुआ था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारी अर्थ का जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, बट इट शुड बी 33%, ठीक है। अब देखो जो 24.62% है, इन एक्चुअल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड आपका ग्रीन कवर, ठीक है। सो टोटल जो आपका है दिस इज 24.62 इज द ग्रीन कवर बेसिकली। सो ग्रीन कवर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ठीक है। तो आपका जो इंडिया का ग्रीन कवर, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है इट शुड बी ग्रीन कवर। सो ग्रीन कवर हमारी कंट्री का कितना है? इट इज 24.6%, ठीक है, ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2021। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। सो ग्रीन कवर इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट कवर, विच इज द ग्रीन कवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ठीक है। सो ग्रीन कवर कितना है इंडिया का? दैट इज 24.62% ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया, क्लियर। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो लर्नर्स दोज हु आर डूइंग ईदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट। We at Ignu Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners. We are also helping our learners for their exam through Exampedia. We are helping you in submitting your assignments. A continuous support from Ignu Dost mentors will be there, who will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development also. You can reach us out on the number 7594939297. Via call or WhatsApp. You can also visit the official website of Ignu Dost. Thank you. See you in the next session.